अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रैप्स व्लॉग रेसिपीज़ एंड फ़न। आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ देगी चना पुलाव की। इसके लिए मैंने जो है ये 2 कप छोटे जो हैं चावल लेके उसे भिगो के वॉश करके भिगो के 1 घंटे से रख दिया है, और 2 कप ही मैंने बॉयल चने लिए हैं। ऑयल लूँगी और साथ में सॉल्ट लूँगी, और कुटी लाल मिर्चें ली हैं मैंने, और मैंने लहसुन और अदरक लिया है। साथ में 1 मीडियम जो है प्याज है वो मैंने स्लाइस करके रखा है। 1 बड़ा टमाटर मैंने चॉप करके मोटा मोटा रखा है। साथ में हरी मिर्च है, साथ में 1 तेज़पात, 1 बादियान का फूल और दालचीनी स्टिक, 1 चिकन क्यूब, ज़ीरा, काली मिर्चें 8-10 और 3-4 लौंगे ली हैं, और मैंने इसमें सब्ज़ इलायची भी डाली थी। साथ में चाहिए कीजिए योगर्ट, इमली और ये जावित्री है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल डाल रही हूँ, वही कप जो है हाफ कप मैंने ऑयल लिया है, और इसके अंदर जो है मैं डाल रही हूँ अनियन। ऑयल मैंने गरम कर लिया है और अब मैं इसके अंदर स्लाइस अनियन डाल रही हूँ, और मैं इसको जो है इसका थोड़ा सा कलर चेंज करूँगी। हमें ये जो देगी पुलाव मैं बना रही हूँ इसमें वैसे तो कोई मिर्चें नहीं डलती, लेकिन हम लोग स्पाइसी खाते हैं तो मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें डाल रही हूँ, बाकी और कोई मसाला नहीं जाएगा। सिर्फ़ ये नमक में पकता है, और ये वो वाला काबली पुलाव है जो न्याजों में लोग बांटते हैं। इसमें अचार भी डलता है, और दाता दरबार में भी अक्सर ऐसे चावल देख के बने हुए मिलते हैं, तो ये बहुत मज़े का बना था, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। और अब जो है प्याज जो है थोड़े से कलर चेंज हुआ है, तो मैंने उसके अंदर लहसुन जो मैंने पीस के रखा था और अदरक जो है मैंने उसे जूलियन कट किया था, क्योंकि अदरक मुंह में आता है चावलों के तो मज़े का लगता है, तो वो मैंने डाल दिया है। और साथ में 1 हरी मिर्च थी वो मैंने काट के रखी थी, वो मैंने साथ डाल ली है। और अब थोड़ा सा जो मैंने इनको पका लिया है, सौते कर लिया, और अब मैं जो गरम मसाले हैं साबुत वो भी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और इन सबको भी जब खुशबू इनकी आने लग जाएगी तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी क्या कहते हैं लाल मिर्चें। इसमें टमाटर जो हैं वो लास्ट पे जाएंगे, इसको आप क्योंकि हमने इसको कोई कलर नहीं देना तो टमाटर नहीं जाएंगे, बल्कि अभी मैं जो दही थी मैं आपको दिखाई थी, ये मैं 2 टेबलस्पून दही ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून डाला था, इसमें ज़ीरा भी डला होता है, और लौंगे मैंने 3 शायद ली थी, हाँ 8-10 काली मिर्चें ली थी, और बादियान का फूल 1 लिया था, और 1 चिकन कनोल का जो था वो 1 पूरा डाला था। और अभी जो है मैं इसको फ्राई कर रही हूँ अच्छी तरह से, जो है ये सौते हो जाए सब कुछ, फिर जो है मैं इसमें नमक डालूँगी, और मैं इसके साथ डाल दूँगी जी कुटी लाल मिर्चें। आपको मैं फिर बता रही हूँ कुटी लाल मिर्चें मैंने डाली हैं, आप अगर नहीं डालेंगे तो तब भी बहुत मज़े का बनेगा। और ये मेरी कज़न है जो मेरी फूफो लगती हैं, लेकिन हम उनको कज़न ही कहते हैं, तबस्सम बाजी, तो उन्होंने जब मैं दुबई में थी मेरे बच्चे छोटे थे तो तब वो मेरे घर आई थी, तो उल्टा वही कुकिंग कर रही थी, तो ये मैंने उनसे सीखा था और मुझे बहुत मज़े का लगा था, और मुझे अभी तक ये रेसिपी याद है। तो बस अभी मैंने नमक और लाल मिर्चें डाल के पानी भी डाला है ताकि जो है मसाला जले ना, और मैं इसको भून रही हूँ। तो तबस्सम बाजी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, मुझे ये चने का चावल इतना अच्छा बनाना आ गया है कि मुझे जब ये पका था तो इसके बहुत अच्छे नंबर मिले थे हस्बैंड से, मुझे 9.5 नंबर मिले थे। और अभी जो है मैं नमक ऐड कर रही हूँ, और पहले जो मैं बनाती थी चनों का पुलाव तो बड़ा अजीब सा और हैवी लगता था, लेकिन ये खाने का बहुत मज़ा आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये देगी चना पुलाव है, ये नॉर्मल घर के चना पुलाव जैसा नहीं है। और अब मैं इसमें जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है समझ लें वो इमली, मैं वो डाल रही हूँ इसमें, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के डाली है, तो अगर आप कम करना चाहें तो इमली कम कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मैंने जावित्री है वो 2 पीसेस उसके डाले थे, और अभी मैं इसको भी पकाऊंगी ताकि मसाले के अंदर ये सारा कुछ जो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और टेस्ट जो है वो इन्हांस हो जाए सारी चीज़ों के। और बहुत इजी है, आप भी घर में इसको बना सकते हैं। और अब मैं ये 2 कप मैंने अगर चावल लिए थे तो मैंने 4 कप जो है पानी उसी लेवल का कप में डाल के लेवल करके पानी डाल दिया है, और अब ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि पानी डल गया है। और
इसमें हल्का सा बॉयल आया, तो मैंने जो बॉयल चिक पीस थे वो डाले हैं। मैंने बॉयल करके रख लेती हूँ फ्रीज़र में, आपने मेरी वीडियो पुरानी देखी होंगी, तो आसानी हो जाती है, बॉयल पड़े हों तो आप कुछ ना कुछ पका लेते हैं। और अभी मैं नमक भी टेस्ट कर रही हूँ और नमक बिल्कुल फिट था और मिर्चें भी बिल्कुल ठीक थी। और अब मैं जो है इसमें राइस ऐड कर दूँगी, क्योंकि बॉयल तो आ चुका था, तो अब मैं इसमें राइस ऐड कर रही हूँ। और सिर्फ ये मियाँ बीवी ने खाने थे, तो तकरीबन ये 4 प्लेट बन गए थे और बहुत यमी बने थे। और मेरी कज़न है फ्रांस में शाइस्ता, और क्योंकि वो मेरी कुकिंग देखती है और फिर वो फिर बनाती भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शाइस्ता, अगर तुमने बनाना है तो तुम भी इस कप का साइज़ ले लो, 4 प्लेट्स आसानी से बन जाएंगी। और तुम चाहो तो मिर्चें ना डालना। और अभी जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ये अंदाज़ा रखती हूँ कि चम्मच इस तरह से अगर डूबा हो तो चावल बड़े फिट बनते हैं। तो मैंने 4 कप पानी डाला था, क्योंकि 2 कप चावल हैं तो उसका डबल डालते हैं हमेशा। तो ये आपको अंदाज़ा पता चल गया होगा पानी का कि कितना डालते हैं। और अब मैं इस स्टेज पे टमाटो जो है वो ऐड कर रही हूँ, जब मैंने चावल भी डाल लिए हैं और मैंने चने भी डाल लिए हैं, तो अब मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टमाटरों का कलर नहीं चाहिए। और अब देखिए पानी जो है वो ड्राई हो गया है, और अब इसको मैं दम पे लगा दूँगी। और जो कपड़ा मैं लगाऊँगी उसको मैंने गीला करके ना वेट करके अच्छी तरह, उसमें पानी पानी था, उससे स्टीम लगाई, उससे चावल अच्छे खड़े खड़े और अच्छे बनते हैं। और अभी स्टीम पर चला गया चना पुलाव, और अब मैं थोड़ी देर बाद इसकी जो है मैंने इसको 30 मिनट स्टीम पे रखा था, उसके बाद अब मैं इसे खोल रही हूँ। और आप देखें खड़े खड़े मज़ेदार से चावल बने हैं, और कोई टमाटर का कलर नहीं आया। बस टमाटर आप देखते हैं देग वाले भी इधर उधर बस टमाटर होते हैं, लेकिन उनका कलर नहीं आता। तो ये है जी फाइनल लुक देगी चना पुलाव का, और बहुत मज़े का बना था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और हाँ, मेरी एक दोस्त दुबई में भी है करीमा, वो भी, उससे भी मैं कहूँगी कि ये ज़रूर ट्राई करे, उसके हस्बैंड को भी पसंद आएगा। तो मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें। चलें फिर आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखें, और घरों में रहें और सेफ़ रहें, और दुआएं करें अल्लाह ताला से, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।